नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर बलरामपुर से है। देश आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 13 से 15 तारीख के बीच हर भारतीय को अपने घरों पर तिरंगा लगाकर ये उत्सव मनाना है। इसमें जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और आजादी के अमृत महोत्सव में नए संकल्पों के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रही है। दिव्या काकरान के साथ सौतेले व्यवहार को लेकर दिल्ली की आप सरकार सवालों के घेरों में है। दिव्या को यूपी का खिलाड़ी बता आप मदद नहीं देने के आरोपों से पल्ला झाड़ने की कोशिश में है। इसके बाद एक बार फिर भारतीय महिला पहलवान ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के लिए आपको घेरा है। दिव्या काकरान ने एक तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। इस तस्वीर के साथ काकरान ने लिखा कि एक खिलाड़ी को कोई भी सम्मानित कर सकता है, चाहे वे लोग किसी भी पार्टी के हों या किसी भी राज्य से हों। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। अगली खबर बिजनौर से है। बिजनौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कार और बाइक की टक्कर में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना चांदपुर थाना क्षेत्र के धनोरा मंडी रोड की बताई जा रही है। तेरा भैया था, उनका लड़का था पिछला वाला। क्या क्या नाम थे इनके? उनका रवि नाम था, उनका बिमलेश नाम था मेरी ताई का। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? कहाँ, ये घर पे जा रहे थे, आ रहे थे इधर बिजनौर से, बिजनौर से आ रहे थे, घर पे जा रहे साहब। अच्छा, तो एक्सीडेंट हुआ। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां भगतपुर थाना क्षेत्र के खेर खाता गांव में गौ हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 बेगुनाहों को जेल भेज दिया है, जिसके बाद गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं गौ हत्या के आरोप में जेल भेजे गए आरोपियों को बेगुनाह बताते हुए गांववासियों ने पुलिस का घेराव कर लिया है और जेल भेजे गए बेगुनाह युवकों को जेल से निकालने की मांग कर रहे हैं। दरअसल गांववासियों का कहना है कि बेगुनाह 4 युवकों को पुलिस ने गौ हत्या के मामले में 2 दिन से जेल में डाल रखा है। देखिए, दिनांक 11 अगस्त 2022 को थाना भगतपुर में एक मुकदमा अपराध संख्या 187/22 कायम किया गया था, 3/5/8 गोवध अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें कि 4 अभियुक्त गिरफ्तार करे गए थे और एक बैल का जो शव हमें मौके घटनास्थल से मिला था, उसको आफ्टर प्रॉपर उसका सैंपल लेने के बाद, उसको लिखा पढ़ी करने के बाद, उसको हमने उसी खेत में लीगली डिस्पोज ऑफ करवाया था, उसको दफनाया था। जो गांव में ऐसी गलतफहमी फैली कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी और पुलिस द्वारा ये गलत लोगों को भेजा गया था, जबकि फिर हमने एक इस तरह की गलतफहमी जब फैली तो हमने गांव के ही लोगों को और जिनके अक्यूज़ जो कि जिनके परिवार से जेल गए हैं, उनके परिवार के व्यक्ति और गांव के संभ्रांत व्यक्ति और गांव के प्रधान भी, सभी की एक कमेटी बनाई। अगली खबर बांदा से है। बांदा में मरका नाव हादसे में अब तक 24 घंटे हो जाने के बाद भी लापता हुए 17 लोगों का पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मौके पर पहुंची, साथ में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी मौके पर पहुंचे, जहां दोनों मंत्रियों ने लोगों को समझाया। इस घटना की जानकारी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। कल मैं यहाँ थी नहीं, मैं दिल्ली में थी, मुझे जैसे जानकारी मिली तो मैं यहाँ आई। मरका सुन, मैं फतेहपुर भी जा सकती थी, लेकिन जहाँ घटना स्थल है यहाँ के अधिकारियों से मुझे बात करनी थी। बहुत दुखद घटना है उस एरिया की, मुझे लग रहा है ये पहली घटना है कि जहाँ एक साथ इतने लोग नौका में डूबे हों, नौका पलटी हो, ये बहुत दुखद है। उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। अधिकारियों को मैंने कहा है कि नीचे जाल डालिए, क्योंकि पानी जब बहता है तो ऊपर को नहीं जाता है, हमेशा वो नीचे को जाता है। जहाँ गांव वालों ने कहा है, अभी मैंने देखो वो पहुँच गए, इंडियन टीम उधर
इस किनारे के लिए लोगों ने कहा कि इधर डेड बॉडी मिली, उधर ही अब दोबारा जाल उधर डाल रहे हैं, कोशिश पूरी है, फतेहपुर भी लगा हुआ है, फतेहपुर किशनपुर वगैरह डाले हुए जाल। देखिए इस घटना से पूरी सरकार दुखी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें और हमारे राज्य मंत्री रामकेश जी को यहाँ भेजा है, और पूरा प्रशासन जब से ये घटना घटित हुई है कल से इसमें लगा हुआ है कि किसी तरह से जो लापता लोग हैं उनकी डेड बॉडी मिले। 33 लोगों का अनुमान था उस नाव में, और 33 में 13 लोग तो निकल गए तैर के, और 20 लोगों में 3 की डेड बॉडी मिली है, 17 लोग अभी भी लापता हैं। उनको खोजने के लिए NDRF, SDRF और जल निगम, जल पुलिस की ये पूरी टीमें लगी हुई हैं। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां डुमरियागंज थाने से बेदौलागढ़ तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज अजय श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष डुमरियागंज संजय मिश्रा के साथ 4 थानों के सैकड़ों पुलिस के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। खबर कानपुर से है। कानपुर में मंदिर में स्थित शिवलिंग को तोड़ने और गायब करने का मामला सामने आया है, जहां मंदिर की आस्था से जुड़े लोगों ने शिवलिंग तोड़ने का विरोध किया है। वहीं बवाल बढ़ते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। ये पूरा मामला रूरा थाना क्षेत्र के कस्बे के मेन चौराहे का बताया जा रहा है। खबर गोंडा से है। गोंडा में पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।